स्वागत स्वागत है भाई आपका चित्तौड़गढ़ में। मैं अभी चित्तौड़गढ़ में हूँ और चित्तौड़गढ़ फोर्ट मेरे जस्ट सामने है। इस वक्त खड़ा हूँ मैं एक बिल्डिंग में, बिल्डिंग कह लीजिए या फिर होटल कह लीजिए। मैं इस होटल में पिछले 3 दिन से होस्टेड था। होस्टेड के तौर पे जो होस्ट थे मेरे वो हैं रितेश भाई, जो कि यहाँ चित्तौड़गढ़ के ही हैं, और एक भाई हैं दीपांकर भाई, वो भी मेरी काफ़ी हद तक मदद कर रहे हैं, इन केस ऑफ खाना खिला रहे हैं मेरे को। और आज तारीख है 7 फरवरी 2021, टाइम हो रहा है तकरीबन 9 बजने वाले हैं। सारी पैकिंग वगैरह सारी कर ली हैं। अगर व्यू की बताऊं, लोकेशन की बात करूं, तो ये ऊपर मैं उस बिल्डिंग पे हूं और मेरे पीछे आपको अगर वो पुल नज़र आ रहा होगा, वो वाला पुल, ये ब्रीच रिवर है जो फोर्ट के इर्द गिर्द से घूमती है, वो रिवर है। और मेरे सामने जस्ट अगर आपको दिख पा रहा होगा तो वो ऊपर पहाड़ी पे फोर्ट है। यहाँ से तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, आराम से अपन पैदल चल के पहुँच सकते हैं। और चित्तौड़गढ़ में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं भाई, एक वहाँ JP बिरला सीमेंट है, एक्चुअली में चित्तौड़गढ़ तो सीमेंट का हब ही है, तो ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। और लोकेशन और व्यू भाई एकदम मस्त। तो अपन चलेंगे, बस रेडी वेडी सारा हो गए हैं और फिर देखते हैं आगे, चित्तौड़गढ़ से होते हुए सीधा फोर्ट में एक्सप्लोर करेंगे। आज पूरा फोर्ट घूमना है। और यहाँ पर जो लोकल यहाँ लोग हैं यार, बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको फील नहीं होने देंगे कि आप कहीं बाहर से आए हैं, आपका ऐसा स्वागत करेंगे जैसे कि आप उनके लिए अतिथि हैं। और सबसे एक ख़ास चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है, जो भाई हैं मेरे को होस्ट किया जिन लोगों ने, और जिन लोगों ने मेरे को हेल्प की है, वो आपको खाना वाना इतने बल्क में दे देंगे कि लगता है कि हाँ यार अपन खा सकते हैं, खा भी लेते हैं। लेकिन उनके जो हैं आदर्श हैं वो उस चीज़ में झलकते हैं। और आप राजस्थानी टेस्ट तो देख लीजिए, मज़ा एकदम भाई। तो आइए चलते हैं हम अपन चित्तौड़गढ़ में और चित्तौड़गढ़ फोर्ट आज एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है फाइनली रूम नंबर 111, याद रखना भाई, इसी होटल में ठहरा था। और ये है मेरा रूम, जो कि इस रूम में मैं होस्टेड था। बैग सारे पैक हैं भाई, और ये बैग मैं आज यहीं रखे जाऊँगा होटल में ही, और ये वाला कैरी करके जाऊँगा यहाँ सारी रात बिताई। और नज़ारा आपको देखने को मिलेगा इस खिड़की से, सामने आपको चित्तौड़गढ़ वाली जो हाईवे है, जो हाईवे से कनेक्ट करती है और सीधा चित्तौड़गढ़ फोर्ट वाली जो हाई सड़क है वो जा रही है, और सड़क से बिल्कुल पास में ही हूँ। और ये पूरा वो एरिया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, स्टाफ मेंबर बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। अगर इस बैग की बात करूँ तो एक और ही मेरे मित्र आए हुए हैं मेरी तरह, यूट्यूबर हैं, ट्रैवलर हैं और बजट ट्रैवलर हैं एक्सट्रीम लेवल पर। ये है भाई साहब, हेलो भाई। हेलो भाई, का नाम है शनी और भाई का चैनल है ट्रैवल टू लॉन्ग। क्या बात है आपको, मतलब यहाँ आके कितने दिन हो गए और कितना कैसा महसूस हो रहा भैया? मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 5 तारीख की रात को दिल्ली से चला था और चित्तौड़गढ़ में मुझे यहाँ पर रितेश भाई ने होस्ट किया, और कुल मिला के ये बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है भाई। रितेश भाई ने दो यूट्यूबर, दो बजट ट्रैवलर को होस्ट कर रखा है, और मैं तो पिछले 3-4 दिन से यहाँ हूँ। मैं उनका वाकई में बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। रितेश भाई बहुत अच्छे इंसान है, मतलब ऐसा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा होगा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है चित्तौड़गढ़ में, और मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस में ही इस तरह से होस्ट किया गया। आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल फॉर रितेश भाई। तो अपन रेडी हो चुके हैं, भाई का सारा सिस्टम तैयार है, हम लोग निकलने वाले हैं। तो फाइनली एक चौराहा हम निकल चुके हैं, ये वाला है, इसके सामने एक और चौराहा आने वाला है, ये मेन, और इधर ऑटो स्टैंड के बगल में ही और अंदर बाजार में जाने का रास्ता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पोल और इस साइड ऑटो स्टैंड है। अगर आप हाईवे पे उतरते तो हाईवे से ऑटो एक पकड़ना पड़ेगा आपको, वो यहाँ उतारेगा, और यहाँ से ऑटो आप हायर करके सीधा किला जा सकते हैं, जो कि ज़्यादा दूरी नहीं है, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का है। और ये है मेन चौक, यहाँ से आपको ऑटो चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सुबह के टाइम आते चित्तौड़ घूमने के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि आप नाश्ता करके जाइए वहाँ पर, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है यहाँ पर। और ये ही चौराहा है, यहाँ पर ही मैं खड़ा हुआ हूँ, और इसके बगल में ये एक बालाजी नमकीन नाश्ता सेंटर है, यहाँ आया हूँ यार, देखता हूँ इनके पास क्या क्या मिल जाएगा। ये कचौड़ी है यहाँ की जो कि बहुत फेमस है, समोसा मिल जाएगा, और ये दाल पकवान, देखते हैं क्या ट्राई करूँ अभी मैं। ये हो गया भाई मिक्सचर रेडी, इसके बाद आप इसमें क्या डालोगे फिर? चटनी वगैरह डालेंगे। और सबसे यूनिक चीज़ मेरे को लगी यहाँ पर, इन्होंने जो ब्रेड है ये क्रश कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर उसके बाद इस तरह से खाते हैं। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि पूरा ब्रेड और उसे डुबो के चटनी में खाते हैं इस प्रकार, लेकिन यहाँ इन्होंने कट कर दिए पीसेस में,
तो ये भाई ब्रेड पकौड़ा श्री बालाजी नाश्ता का, इसे चक्कर देखते हैं फिर। और सबसे ख़ास बात है कि इन्होंने इस चीज़ को क्रिस्प किया हुआ है और छोटे छोटे टुकड़ों में किया हुआ है। वाह, जो इसमें लाल वाली चटनी डाली है, मीठी और खट्टी का जो कॉम्बिनेशन है एकदम लाजवाब है। लेयर्स काफ़ी सारी हैं इसमें और इसे आप तोड़ के खा सकते हो। चाय मेरी आने वाली है, देखते हैं चाय के साथ कैसा टेस्ट होता है। अगर आप आते हो तो नाश्ता करके तो भाई जाइए चित्तौड़ का, मज़ा आ जाएगा। तो फाइनली नाश्ता वगैरह हो गया हम लोगों का, दोनों लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ते के तौर पे आप बहुत सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पोहा, यहाँ दाल पकवान, जो मूंग की दाल की कचौड़ी होती है, वो सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो और मज़ा आ गया। उसके बाद अब हम लोग चल दिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट की तरफ। ये पीछे वो चौराहा है और हम ना मेन रास्ता ना कवर करते हुए अंदर से जा रहा हूँ। जो पुराना चित्तौड़ है, जो चित्तौड़ के जो घर है पुराने लोकल, वो दिखाते हुए आपको चलेंगे। तो भाई फिर चलते आगे। ये एक तिराहा पॉइंट है यहाँ चित्तौड़ का और ये सामने एक मस्जिद है और हम इधर से जाएंगे ये लोकल होते हुए। और इस साइड ना, इस साइड आपको पद्मिनी उद्यान जो पार्क है वो मिल जाएगा। कल हमने इसे शाम को जब जल्दी आ गए तो वो एक्सप्लोर किया था, काफ़ी अच्छा फोर्ट है। वही चिल कर रहे हैं। ये है पद्मिनी उद्यान। तो ये फाइनली पुराना चित्तौड़गढ़, पुरानी आपको बिल्डिंग यहाँ पर काफ़ी सारी नज़र आ जाएंगी। ये मंदिर है एक मुरलीधर जी का मंदिर और इस मंदिर से जैसे ही आप अंदर की तरफ चलेंगे तो ये पुरानी गली है गुलाब जामुन वाले। इस यहाँ पर मिठाइयों की पूरा ये हब हुआ करता था, अब तो काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ मिठाइयों की। और यहाँ के मिठाइयों की आपको बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर देखने को। ये अलग अलग प्रकार की वेराइटीज़ की यहाँ मिठाई बनती हैं। इस प्रकार से आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी मिठाइयों की, तो एक बार आते हो तो यहाँ पर कोई ना कोई मिठाई आप अवश्य ट्राई करिए यार। इसका चार छोटी कचौरी, मिनी कचौरी। ओके, यहाँ मिनी कचौरी ही बन रही है। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं यार, सारी जानकारियाँ वगैरह देते हैं। तो यहाँ की चित्तौड़ की जो लोकल फेमस गली है उस गली से निकलते हुए और यहाँ आपको दूध गर्म होता हुआ नज़र आ जाएगा। इसमें जब ये ज़्यादा खोल जाता तो मलाई वगैरह ऊपर आ जाती ना, राबड़ी बन रही है। अरे भा, ये दही, दही जलेबी, मतलब प्रॉपर पूरी नाश्ता वगैरह यहाँ का लाजवाब।